तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देखते ही बन रहा है। इस दिन का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। अयोध्या की चहल पहल और खूबसूरती देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो रामलला के आगमन पर स्वर्ग से सभी देवी देवता धरती पर उतर आए हों। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की धूम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। दुनिया के ताकतवर और बड़े देश भी राम में हो चुके हैं। कहीं राम नाम के भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं राम मंदिर के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। दुनिया से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखते ही बन रहा है। राम मंदिर को लेकर दुनिया भर में सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जबकि कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में भजन कीर्तन और रैलियां निकाली जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग कार से रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी कारों पर रामलला के झंडे लगे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने 22 जनवरी के दिन सिडनी में सैकड़ों कारों से रैली निकाली। ब्रिटेन में अयोध्या के मंगल कलश का भ्रमण कराया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले 21 जनवरी को यह कलश स्लो हिंदू मंदिर पहुंचा और 22 जनवरी को मंदिर में रखा गया। ब्रिटेन में लगभग 250 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में विशेष आरती और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्तों ने रैली निकाली। ये पेरिस के अहम इलाकों से होते हुए शाम को एफिल टावर पहुंची। रथ यात्रा निकालने से पहले विश्व कल्याण यज्ञ भी हुआ। इस दौरान भक्त रामलला के नारे लगाते दिखाई दिए। मॉरिशस की 48% आबादी हिंदू है। वहाँ की सरकार ने हिंदुओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 2 घंटे का स्पेशल ब्रेक दिया है, ताकि वो राम मंदिर कार्यक्रम को देख सकें। मॉरिशस के सभी मंदिरों में दिए जलाए जा रहे हैं और इन सभी मंदिरों में राम नाम का जाप हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। माता सीता के मायके जनकपुर के मंदिरों को भव्य रोशनी से सजाया गया है। जनकपुर के अलावा नेपाल के बड़े शहरों में 24 घंटे रामलला और माता सीता के भजन गूंज रहे हैं। नेपाल के चौक चौराहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। लोग जश्न में डूबे दिखाई दे रहे हैं। ताइवान में भारतीय समुदाय ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर भजन कीर्तन का आयोजन किया। ताइवान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। वहीं 22 जनवरी को इस्कॉन की तरफ से आयोजित समारोह में श्रद्धालुओं को राम धुन गुनगुनाते देखा गया। इसके अलावा राम मंदिर का जश्न न्यूजीलैंड, डेनमार्क, दुबई, सेशल्स, थाईलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में देखने को मिला, जहां लोग रामलला की भक्ति में डूबे नजर आए। जगह जगह रैलियां निकाली गई और जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।